नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। सोनभद्र से एक खास खबर सामने आ रही है, जहां सीएमओ ऑफिस के स्टोर में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही ऑफिस में हड़कंप मच गया। आज पल्स पोलियो रैली में शामिल थे सीएमओ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पुलिस चौकी प्रभारी सहित स्वास्थ्य कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। आपको एक बार फिर बता दें, सीएमओ ऑफिस के स्टोर रूम में आग लग गई। यह आग अचानक ही लग गई। इस आग से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वही सीएमओ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस चौकी प्रभारी सहित स्वास्थ्य कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। क्या मामला है सर, आग लगी, क्या है? अभी तो उसके बाद यहाँ से जब रैली रवाना हुई है और रैली पूरी कंप्लीट करके हमने वापस हम आए हैं, तो संज्ञान में आया है कि ऊपर के तल्ले में एक कमरे में आग लगी है। साथ कौन सा जी सामान, क्या नुकसान हुआ है, क्या बताया जा रहा है, किस कहाँ आग लगी? कुछ ब्लॉक्स वहाँ रखे हुए हैं उस कमरे में, ब्लॉक्स के और कुछ कंप्लेंट है। स्टोर है बता रहे हैं लोग, स्टोर में आग लगी हुई। कुछ बाहर आए थे तो कुछ लोगों ने उनसे शिकायत की थी कि सीएमओ ऑफिस में काफी गड़बड़ चला, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ आग लगा दिया गया? नहीं, ये स्टोर का मामला है, अगर रिकॉर्ड जलता तो जरूर हम इसके घेरे में आते इस आरोप के, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं है। हमारा सौभाग्य है ये स्टोर है और शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है, और दिन में आग लगी है और सभी लोग यहाँ प्रदर्शी रहे। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट।